मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सिंस 20 इयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेग्नेंट कब और कैसे बने और अपने ओविलेशन का पता कैसे लगाए। जब आप प्रेग्नेंट बनना चाहती हो तब आपको आपके ओविलेशन का समय पता करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ओविलेशन के ये निर्धारित समय में साथ रहने से, संबंध रखने से आप प्रेग्नेंट बन सकती हो। हम ये सदियों से जानते हैं कि पीरियड के मध्यान्ह में अल्टरनेट डे या डेली आप जब साथ रहते हो तो आप प्रेग्नेंट बन सकते हो, लेकिन ये आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जब दोनों वर्किंग रहते हैं तो ये पीरियड के मध्यान्ह में अल्टरनेट डे या डेली संबंध रखना नामुमकिन होता है और फिर कंसी होने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हमें ओविलेशन का सही पता करना बहुत ही जरूरी है। तो ये ओविलेशन का निर्धारित समय जानने के लिए एक भरोसेमंद तकनीक यानी कि प्रोडक्ट मैं आजकल रेकमेंड करती हूँ, उस प्रोडक्ट के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये स्मार्टफोन कनेक्टेड डिवाइस है जिसको हम फर्टिलिटी मॉनिटर कहते हैं। तो इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। इसके पहले हम जानेंगे ओविलेशन होता क्या है। जब अंडा ओवरी से यानी कि अंडकोश से बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को हम ओविलेशन कहते हैं। कंसीव होने के लिए ओविलेशन होना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम जानेंगे हमारी गर्भधारणा कब होती है। जब शुक्राणु का अंडे के साथ मिलन हो जाता है तो उसका परिणाम गर्भधारणा होती है और इस परिक्रमा को, इस घटना को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो शुक्राणु स्त्री के शरीर में 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, यानी कि स्पर्म का फर्टिलिटी पोटेंशियल 3 से 4 दिन अच्छा रहता है। यानी कि ओविलेशन से पहले 3 से 4 दिन में जब इंटरकोर्स हो जाता है, शुक्राणु अंदर चले जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि इस पीरियड में गर्भधारणा होने के चांसेस अच्छे रहते हैं और इस पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। लेकिन ओविलेशन के बाद जब अंडा बाहर आ जाता है तो ये अंडा सिर्फ 18 से 20 घंटों तक ही जीवित रहता है, यानी कि अंडे का फर्टिलिटी पोटेंशियल सिर्फ 18 to 20 hours तक रहता है। इसीलिए जब हम फर्टाइल पीरियड की बात करते हैं तो ये फर्टाइल पीरियड ओविलेशन से पहले 4 दिन से शुरू होता है और ओविलेशन के बाद 1 दिन में खत्म हो जाता है। जब आप ये फर्टाइल दिनों में साथ में रहते हो या इंटरकोर्स करते हो तो आप प्रेग्नेंट बन सकते हो। अभी हम जानेंगे ओविलेशन कब होता है। पहले माना जाता था कि आप पीरियड के 14वें दिन में इंटरकोर्स करो तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, क्योंकि पीरियड का 14वां दिन ये अपने ओविलेशन का दिन रहता है। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। हमारा ओविलेशन आने वाले पीरियड से 12 से 14 दिन पहले होता है, लेकिन हर एक का पीरियड साइकिल अलग रहता है। किसी का 25 दिन में होता है, किसी का 40 दिन में होता है, तो किसी का 45 डेज में होता है। और स्टडीज में ये देखा गया है कि 46% महिलाओं का मासिक चक्र 7 दिन के वेरिएशन में हो जाता है। इसीलिए हमारे फर्टाइल डेज की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानेंगे ये ओविलेशन का पता हम कैसे करें। ओविलेशन जानने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए हमें अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत होती है। ये अल्ट्रासाउंड द्वारा हमें ओविलेशन का एग्जैक्ट पता चलता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमें अल्टरनेट डे क्लिनिक जाना पड़ता है और बार बार हॉस्पिटल जाने से हमारी तनाव चिंता बढ़ जाती है। और ओविलेशन जानने का दूसरा तरीका है ओविलेशन किट का इस्तेमाल करना। हम घर बैठे ओविलेशन किट का इस्तेमाल करके हमारा ओविलेशन जान सकते हैं। ओविलेशन के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस के बदलाव ये किट के द्वारा हमें मालूम होते हैं और हम ओविलेशन का सही पता करवा सकते हैं। जैसे कि ओविलेशन से 3 से 4 दिन पहले से हमारे शरीर की ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है और ये इसका प्रतीक है कि हमारा ओविलेशन अभी होने वाला है।
इसके साथ ही साथ जब LH हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन अभी ये 24 घंटों में होने वाला है। ये ओव्यूलेशन के किट दो तरह के रहते हैं, एक नॉर्मल रहता है, एक डिजिटल रहता है। जो नॉर्मल ओव्यूलेशन किट रहता है उसमें हमें सिर्फ LH के बदलाव समझ में आते हैं, और ये जो डिजिटल है उसमें हमें इस्ट्रोजन की मात्रा का भी बदलाव समझ में आता है और उसके साथ ही साथ LH हार्मोन के बारे में भी पता चलता है। इसीलिए इसकी एक्यूरेसी 99.9% रहती है, इसीलिए भरोसेमंद तरीके से हमें फर्टाइल डेज का पता चलता है। तो आज मैं आपको ये इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ये इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर एक स्मार्टफोन कनेक्टेड डिवाइस होता है, और इसकी खास बात यह है कि अनियमित पीरियड में जब हमें फर्टिलिटी डेज का पता करने में नौबत आती है, वो करना मुश्किल हो जाता है, तो ये इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर के थ्रू हमें अनियमित पीरियड में भी फर्टाइल डेज का सही पता चलता है। तो आइए हम जानेंगे इसका यूज हम कैसे करें। तो आइए हम जानेंगे इस किट में होता क्या है। जब ये हम किट खोलेंगे तो इस बॉक्स में हमें एक डिवाइस मिलेगा, तो ये डिवाइस आपको निकालना है। तो इसके साथ ही में ये इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर्स के स्ट्रिप्स आते हैं। इससे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके इनिटो फर्टिलिटी ऐप डाउनलोड किया है और हमारी नेसेसरी मेडिकल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन फीड कर दी है। इसके बाद ये QR कोड को ऐप के साथ स्कैन किया है। इसके बाद हमने तीन प्रीवियस साइकिल, जो पहले साइकिल थे, इसके डिटेल्स ये ऐप में डाल दिए, और फिर ऐप ही हमें बताता है इस महीने में हमें कब से टेस्ट शुरू करनी चाहिए, और स्टार्टिंग डे का नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है। जिस दिन हमें टेस्ट करनी है उस दिन हमें सुबह के यूरिन का सैंपल साथ में लाना है, और आपको टेस्ट बटन दबाने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी वो सिर्फ फॉलो करनी है। अभी ये टेस्ट स्ट्रिप हमें यूरिन में 15 सेकंड के लिए डुबानी है, और हमें ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक को यूरिन टच ना करे। 15 सेकंड के बाद वो निकालने के बाद ये कैप मैंने बाहर निकाली और ये गीले एंड पे ये कैप बिठा दी। अभी ये फर्टिलिटी मॉनिटर को ये फोन के साथ अटैच कर दिया। अभी ये अटैच हो गया है। अभी ये लेफ्ट साइड के नॉच से हमें ये स्ट्रिप अंदर इंसर्ट करनी है। ये टेस्ट का नतीजा मिलने के लिए हमें 5 मिनट के लिए रुकना है। अभी डिवाइस पे हमें 3 टाइप के नतीजे सामने आ सकते हैं। पहला एक रहता है जो लो फर्टिलिटी दिखलाता है, यानी कि इस दौरान जब आप साथ में रहे और सेक्स किया तो कंसीव होने के चांसेस, प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम है। दूसरा नतीजा होता है हाई फर्टिलिटी, इसका मतलब है कि अभी आपके शरीर में इस्ट्रोजन का प्रोडक्शन शुरू हुआ है, आप अभी फर्टाइल रेंज में हो। तो इस दौरान आपको एक दिन छोड़ के, यानी कि ऑल्टरनेट सेक्स करना जरूरी है। ये हाई फर्टिलिटी का रिजल्ट हमें ये दिखलाता है कि 3 से 4 दिन में हमारा ओव्यूलेशन अभी होने वाला है। अभी तीसरा रिजल्ट आ सकता है पीक फर्टिलिटी, यानी कि आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन का रिलीज अभी शुरू हो गया है, और अभी ओव्यूलेशन 24 to 36 hours में होने वाला है। तो आपको आज ही इंटरकोर्स रखना है, सेक्स करना है, तो आपके कंसीव होने के चांसेस यानी कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस हाईएस्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जान लिया ओव्यूलेशन होता क्या है, ओव्यूलेशन कब होता है, प्रेग्नेंट बनने का सही समय क्या होता है, और ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए हमारे पास ओव्यूलेशन किट की अवेलेबिलिटी होती है, जिसमें डिजिटल किट एकदम भरोसेमंद है और आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
इस बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारी ये प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।